जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो आप लोगों के पास खूब भरपूर है उसी को दिमाग कहते हैं। और चलिए उस दिमाग का यूज हम लोग करें, और दिमाग का यूज करके आज टेक्नोमेट्री के तीनों आइडेंटिटी का हम लोग डेरिवेशन करें। ये तीनों आइडेंटिटी का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आज के वीडियो में हम ये तीनों डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, और सेकंड आइडेंटिटी आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, और थर्ड आइडेंटिटी आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो चलिए हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन करेंगे, और फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन करने के लिए आपको हमने पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रायंगल होता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है तो वह राइट ट्रायंगल पर ही बेस होता है। तो चलिए हम लेते हैं राइट ट्रायंगल, और यहाँ पर राइट ट्रायंगल में हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। देखिए इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें एक तो 90 डिग्री आपको मालूम है कि राइट ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इस डेरिवेशन में हमें एंगल ए ही लेना है। तो चलिए हम एंगल ए लेते हैं, और एंगल ए जब लेंगे तो एंगल ए जो एंगल लेते हैं उसका फ्रंट साइड जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। और फिर 90 डिग्री का जो फ्रंट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और फिर जो बच जाएगा वह बेस होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और चलिए फर्स्ट का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट का डेरिवेशन हम लोग करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी का। अच्छा, तो इसके लिए आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपको मालूम है कि पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यानी क्या है आपको पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम ही होगा कि इन एनी राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर बोथ साइड्स। तो चले देखते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, यहाँ दोनों साइड में इसको इक्वेशन वन हम एज्यूम करते हैं, दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। नहीं इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करना होगा। देखिए एच स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। एच स्क्वायर, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और फिर यहाँ देखें इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखे रहिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, और यहाँ देखे हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, ये तो सबको पता है ना, पता है कि नहीं है? नहीं है तो ध्यान से देखिए और याद करिए। तो चले देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस होता है, ये तो पता है आपको ना, तो यहाँ हम कर दिए कॉस, और ये है कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू है वन। ये जो पहला जो आइडेंटिटी है, पहले आइडेंटिटी का डेरिवेशन हो गया, ये अच्छा। पहली आइडेंटिटी हमको मिल गई, हमें उम्मीद है कि ये पहली आइडेंटिटी सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जानते हैं अभी तो हम एच से डिवाइड किए थे, और अब हम लोग क्या करें कि अब हम बेस से डिवाइड कर दें।
बेस से डिवाइड, देखिए पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया गया और बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब अच्छा, इस बार हम बेस से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। तो बेस से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे यानी बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर अपॉन बी नहीं स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। और बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर तो कैंसिल हैपन हो गया, और यहाँ देखिए एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस अपान बेस स्क्वायर, तो यहाँ एच अपान बी का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस सेक होता है, ये आपको पता है, तो यहाँ हमने कर दिया सेक स्क्वायर ए प्लस वन, और ये हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस अपान बेस टेन होता है, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे, देखिए क्या हुआ, सेक स्क्वायर देखिए क्या किया गया था यहाँ पर, माइंड जरा दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, हमने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लापरवाही का नतीजा बहुत बुरा बुरा होता है। तो चले यहाँ हमने तो पहले बेस से डिवाइड किया था, तो देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस यहाँ गलत लिख दिया गया है, इसीलिए हमने कहा कि सावधानी को ध्यान में रखना होगा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन होता है ना, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन इजक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, तो हाइपोटेनियस अपान बेस तो होगा यह सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर को राइट में ले जाया जाए तो वन इजक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को राइट में ले जाते हैं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और पूरे लेफ्ट को राइट में, पूरे राइट को लेफ्ट में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजक्वल टू वन। ये जो सेकंड आइडेंटिटी थी, हम लोगों को सेकंड आइडेंटिटी मिली, इन तीनों आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, तो इसको आप लोग बड़ी अच्छी तरह से तैयार की रहिए, ये सेकंड आइडेंटिटी का डेरिवेशन हुआ। अच्छा एक बात आप समझिए, पहले वाले डेरिवेशन में आपने देखा था पहला फार्मूले का जब डेरिवेशन करना था तो हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, जब दूसरे का डेरिवेशन करना था तो हमें बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, अब थर्ड आया तो थर्ड में हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और चलिए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको भी इरेज करते हैं और इक्वेशन वन के दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। चलिए पी स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, डिवाइड करके देखिए। और एक बात देखिए, मैथ, मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मैथ मजा लेके पढ़ा जाता है, जितना ही मजा लेके पढ़ेंगे पढ़ने में मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन हो जाएगा पी स्क्वायर, देखते हैं। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया वन प्लस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर याद रखे रहिएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर इजकल टू यहाँ हाइपोटेनियस अपान हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, वन प्लस बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, काट होता है ना, बेस अपान परपेंडिकुलर काट होता है, तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर ए, और फिर यहाँ देखें क्या हो जाएगा,
यच अपान परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर तो कोसिक होता है, कोसिक स्क्वायर ए हो गया। अब काट स्क्वायर ए को राइट में ले जाते हैं, वन इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ए माइनस हो गया काट स्क्वायर ए। अब पूरे लेफ्ट को राइट में लेके चले जाए, पूरे राइट को लेफ्ट में ला दें, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, पूरे राइट को लेफ्ट में ला दिए, पूरे लेफ्ट को राइट में ला दिए। तो इस प्रकार आप ये जो थर्ड आइडेंटिटी है, इस थर्ड आइडेंटिटी को भी आपने देखा। और एक बात हम आपको बता दें कि हमने इस सूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑनलाइन भी क्लास चल रहे हैं, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे ऑफलाइन भी क्लास चल रहे हैं। आप जिस किसी क्लास के हों, 9th, 10th, 11th, 12th, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ करके पढ़ सकते हैं, और जितने वीडियो हैं उनको देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। और हाँ, वीडियो आप देखिए तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।